काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के आज के इस अध्याय में हम बताएंगे किसी दूसरे राज्य से माल की खरीदी करना यानी इंटर स्टेट परचेस करना, और साथ ही बताएंगे इंटर स्टेट परचेस के समय कौन सा टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी के हिसाब से हम परचेस को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला इंट्रा स्टेट परचेस, जिसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो यानी वीडियो नंबर 76 में बता चुके हैं, और दूसरा है इंटर स्टेट परचेस, जिसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। जब हम अपने प्रदेश के बाहर किसी भी अन्य प्रदेश के व्यापारी से माल खरीदते हैं तो वो इंटर स्टेट परचेस कहलाती है। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हम मध्य प्रदेश के इंदौर के व्यापारी हैं और हमने उत्तर प्रदेश के कानपुर के व्यापारी से माल खरीदा, तो इस तरह की खरीद जो कि प्रदेश के बाहर से की गई है इंटर स्टेट परचेस कहलाती है। यहाँ पर हम आपको एक बिल बता रहे हैं। ये बिल सुरेश ट्रेडर कानपुर का है। इनसे हमने 10,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 5 नग मॉनिटर के उधार खरीदे हैं। बिल में सबसे ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा है, उसके बाद पार्टी का नाम और बायर में हमारा नाम आ रहा है। दोनों ही नाम के नीचे उनके जीएसटी नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि दोनों जीएसटी नंबर के स्टेट कोड अलग अलग हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो माल खरीद रहे हैं वो दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद उसका HSN, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टैक्स का अमाउंट और आखिर में टोटल बिल अमाउंट दिखाई पड़ रहा है। साथ ही सबसे नीचे की ओर जीएसटी से संबंधित डिटेल्स भी दिखाई पड़ रही हैं। चलिए अब इस बिल को देखते हुए हम टैली में एंट्री कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे। अब परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस कर रहे हैं। यदि आपको वाउचर की डेट चेंज करना हो तो F2 प्रेस करके कर सकते हैं। हमें यही डेट चाहिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर सप्लायर्स के बिल की डेट टाइप कर रहे हैं और अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हमें पार्टी का लेजर सिलेक्ट करना होगा जो कि बना हुआ नहीं है। हम ऑल्टर और सी प्रेस करके पार्टी का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पार्टी का नाम सुरेश ट्रेडर्स टाइप कर रहे हैं। अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रखना है। यहाँ एड्रेस में सप्लायर का पूरा पता जो बिल पर है वो टाइप कर रहे हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ रही है, इसमें से हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सप्लायर कानपुर का है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर आ गए हैं। ये देखिए जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन टाइप पर आते हैं, यहाँ हमको 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में और जीएसटी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम आपको जीएसटी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में और इंटर स्टेट परचेस वाली वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें। ऐसा करने से आपको ये वाली वीडियो समझने में आसानी होगी। अभी हमने जिस पार्टी से माल खरीदा है वो रेगुलर डीलर है और उसकी पहचान ये है कि उसके बिल में ऊपर की ओर टैक्स इनवॉइस लिखा है और बिल में जीएसटी अलग से लगाया गया है। यही कारण है कि यहाँ पर हम रेगुलर सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमको पार्टी का GSTIN टाइप करना है। यहाँ पर सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स ऑप्शन को नो ही रहने दें। अब इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए पार्टी डिटेल्स की विंडो आ रही है।
यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जो डिटेल्स हमने पार्टी के लेजर में दी हैं, वही यहाँ भी दिखाई देगी। हम पूरी डिटेल्स फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें परचेस अकाउंट सिलेक्ट करना है। जीएसटी के हिसाब से परचेस अकाउंट कैसे बनाते हैं ये हमने इंट्रा स्टेट परचेस वाली वीडियो में बताया था। यहाँ हमने जो आइटम खरीदा है उसका नाम सिलेक्ट करना है जो कि अभी नहीं बना हुआ है, तो पहले हम ऑल्टर और सी प्रेस करके उसे बना लेते हैं। यहाँ हम आइटम का नाम मॉनिटर टाइप कर रहे हैं, अंडर में हम प्राइमरी ही रहने दे रहे हैं, यूनिट्स में नंबर्स ले रहे हैं। अब हम स्टेट्यूटरी डिटेल्स पर आ गए हैं। इसमें सबसे पहले है जीएसटी एप्लीकेबल, जिसके आगे एप्लीकेबल लिखा आ रहा है, हम इसे ऐसा ही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स जो कि अभी नो है, इसे हम यस कर रहे हैं। ये देखिए हमारे सामने जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम की विंडो आ रही है, जिसमें डिस्क्रिप्शन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। HSN ऑब्लिक SSC के आगे हम आइटम कोड 8528 टाइप कर रहे हैं। ध्यान रहे प्रत्येक आइटम का HSN कोड अलग होता है। इसके बाद है इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसे हम नो ही रहने देंगे। अब हम टैक्स डिटेल पर आ गए हैं। कैलकुलेशन टाइप में दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला ऑन आइटम रेट और दूसरा ऑन वैल्यू। अभी हम यहाँ पर ऑन वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑन आइटम के बारे में हम आगे की वीडियो में समझेंगे। टैक्सेबिलिटी में चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, अननोन, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड और टैक्सेबल। हम यहाँ पर टैक्सेबल सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम टैक्स टाइप पर आ गए हैं। मॉनिटर पर 18% जीएसटी है, इसलिए हम इंटीग्रेटेड टैक्स के आगे 18 टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए नीचे 18% का आधा आधा यानी 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स में डिवाइड हो गया है। चलिए अब इसे सेव कर लेते हैं। हम वापस स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट कर रहे हैं और इस स्क्रीन को भी सेव कर लेते हैं। ऐसा करते ही हम वापस परचेज वाउचर पर आ गए हैं। यहाँ क्वांटिटी और यहाँ रेट टाइप करेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए टोटल कॉस्ट 50,000 आ रही है। अगर कोई और आइटम सिलेक्ट करना हो तो एंटर प्रेस करके वो आइटम सिलेक्ट कर लें। अभी हमें और कोई आइटम सिलेक्ट नहीं करना है तो हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। हम बैक स्पेस प्रेस करके लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स पर आ गए हैं। ये माल हम दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ हमें IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लेजर सिलेक्ट करना होगा। हमने अभी ये लेजर नहीं बनाया है तो चलिए पहले उसे बना लेते हैं। यहाँ IGST टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करके अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी में GST सिलेक्ट कर रहे हैं। टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल और A से इसे सेव कर लेंगे। ये देखिए 50,000 पर 18% के हिसाब से 9,000 IGST कैलकुलेट हो गया है और अब इनवॉइस की वैल्यू 59,000 हो गई है। देखिए बिल वाइज डिटेल्स में यहाँ न्यू रेफरेंस सिलेक्टेड है और हमें यही चाहिए। चलिए अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब इसकी जीएसटी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। हम वाउचर पर रहते हुए रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए गो टू पर माउस से क्लिक कर रहे हैं और यहाँ टाइप कर रहे हैं जीएसटी और फिर GSTR2 पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ध्यान रखें जीएसटी की परचेज रिपोर्ट हमें GSTR2 में दिखाई पड़ती है। सबसे पहले रिपोर्ट का पीरियड चेक कर लें।
अभी हमने जो एंट्री की है वो अप्रैल माह की है और रिपोर्ट भी इसी पीरियड की आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने जो एंट्री की थी वो B2B इनवॉइस के अंतर्गत आ रही है। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। सरल शब्दों में माल बेचने और खरीदने वाले दोनों ही रेगुलर डीलर हैं, तो इस तरह की खरीद B2B में दिखाई पड़ती है। चलिए अब हम एस्केप की प्रेस करके वापस परचेज वाउचर पर चलते हैं। अभी हमने जो एंट्री की थी वो क्रेडिट परचेस की थी। अब हम एक एंट्री कैश परचेस की भी कर लेते हैं। यहाँ हमारे सामने एक कैश परचेस का बिल है, आइए इसके हिसाब से एंट्री कर लेते हैं। परचेज वाउचर ओपन है, यहाँ हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर और यहाँ सप्लायर के बिल की डेट टाइप कर रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम में कैश सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये माल नगद देकर खरीदा है। हम एंटर प्रेस करते हुए पार्टी डिटेल्स पर आ गए हैं। सप्लायर में हमने जिस पार्टी से माल खरीदा है उसका नाम टाइप करना है। इसके बाद यहां पार्टी का एड्रेस टाइप करेंगे। अब यहां स्टेट में सप्लायर का स्टेट जो कि महाराष्ट्र है वो सिलेक्ट करना होगा। GST रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। अब यहां उसका GST नंबर टाइप करेंगे और अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां परचेज अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अब यहां लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से हमने जो आइटम खरीदा है वो सिलेक्ट करेंगे। यहां क्वांटिटी और यहां रेट टाइप करेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, यहां पर एंड ऑफ लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। हम बैक स्पेस प्रेस करके लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स पर आ गए हैं। यहां IGST सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही 18% के हिसाब से IGST 81,000 रुपए कैलकुलेट हो गया है। पहले इनवॉइस की वैल्यू 4,50,000 रुपए थी जो कि अब 5,31,000 रुपए हो गई है। अब हम इस एंट्री को सेव कर लेते हैं और अब एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। एक बार फिर से GST की रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए पहले D और फिर O की प्रेस करेंगे। अब यहाँ GSTR2 पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, B2B के अंतर्गत अभी हमने जो खरीद की है वो दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको इंटरस्टेट परचेस के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रास्टेट सेल्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।